आपने कहा मैं जन्नत में गया, मैंने कुरान की तिलावत सुनी। मैंने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? कहा जी हारिसा बिन नुमान कर रहे हैं। हारिसा बिन नुमान वो तो मदीने में बैठा हुआ है, अभी मरा तो नहीं, अभी जन्नत में तो आया नहीं, तो ये आवाज कैसी है? आप 8-10 हजार का मजमा है, कितना साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और 500 किलोमीटर के बाद हवा कोई नहीं है, तो साउंड सफर ही नहीं कर सकती, आवाज सफर ही नहीं कर सकती। हारिसा बिन नुमान ने कौन सा साउंड सिस्टम लगाया था कि मदीने में बैठ के तिलावत करे और जन्नत में उसकी सारी जन्नत को आवाज सुनाई दे? तो हारिसा के पास कौन सा साउंड सिस्टम था? तो फरिश्तों ने कहा या रसूल आपने कहा वो मदीने में आवाज जन्नत में, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह मां को इतना खुश किया है खिदमत करके कि जब कुरान पढ़ते हैं अल्लाह सारी जन्नत को कुरान सुनाते। सारी जो वो माँ जो आज जलील हो रही है, वो माँ जिसको पूछने वाला कोई नहीं, न कनाडा में, न पाकिस्तान में, न इंडिया में, न बांग्लादेश में, कोई खुशनसीब माँ है जिसकी औलाद उसे पूछती है? वरना माल की दौड़ ने पागल कर दिया, अंधा कर दिया। माँ की दुआ ने हारिसा की तिलावत को सात आसमान चीर कर पूरी जन्नत गूंज रही है। क्या हुआ? हारिसा तिलावत कर रहा है, साउंड सिस्टम कहां से लाया है? माँ के पांव धोता है, ये साउंड सिस्टम है। माँ हारिसा माँ के कैसे खिदमत गुजार थे? बीवी को नहीं कहते थे मेरी अम्मा दी रोटी पका, मेरी अम्मा दे कपड़े धो, बीवी को कहते थे ये मेरी जाती प्रॉपर्टी है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। जिसके जिम्मे नहीं उसको आगे कर रहे हैं। मेरे जिम्मे मेरी मां की खिदमत है, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी मां की खिदमत नहीं है। अल्लाह के वास्ते हुकूक जानू, हुकूक जानू। हम अपना मुआशरा साथ लेकर आए हैं और शरीयत के ना जानने की वजह से घरों में आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, आग लग चुकी है। बेगम ये माँ मेरी जाती प्रॉपर्टी है, तुमने करीब नहीं आना। कपड़े खुद धोते थे, तेल लगाते थे, कंघी करते थे, जुए निकालते थे, सालन बनाते थे, रोटी पकाते थे, फिर सामने रख के बैठ नहीं जाते थे, नवाले तोड़ तोड़ के अम्मा को खिलाते थे, नवाले तोड़ तोड़ के खिलाते थे। सिला क्या मिला? जन्नत में आवाज जा रही है।